अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदश सतश्री श्री श्री भागवत वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरद में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री पैठनस महाराज, श्रीनिधि प्रभु, बंसीवर्धन प्रभु, अन्यान्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाकृत प्रणाम करता हूँ। गौर ब्रह्मानंद हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव अक्सर करके जब हरि कथा बोलते थे वो एक श्लोक को विशेष करके व्याख्या करते थे। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं तत्नाम रूप चरिता सुकृत नाम क्रमीण रसना मनस विजज्य तिष्ठ ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल नैर अखिल ईत उपदेश सार। जितने सारे उपदेश में रूप गोस्वामी कहते हैं ये उपदेश सबसे सार है। अरे एक उपदेश को अपना जीवन में उतार समझो सब कुछ हो गया है। बोले पहला क्या बोलते हैं, बोले तन्नाम। हमारा पहला निष्ठा भगवान का नाम होना चाहिए, क्यों जितने सारे शास्त्र पढ़ो हर शास्त्र में कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार और सूर्य भगवान। आज हम सुन रहे थे जितने ऋषि मुनि वेद पुराण उपनिषद सबके सब एक ही बात कहना है एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकृतवयम् योगिनां निर्विद्यमानाये नामान् कीर्तनम्। हरि का नाम कीर्तन ही अगर जीवन में अभय पाना चाहते हैं जितने मुक्त महापुरुष जितने विद्वान जितने शास्त्र अगर सारे शास्त्र को अगर मंथन करेंगे एक ही बात निकलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे। इसलिए भागवत में श्री एकादश स्कंद में जब श्री नेमि नव जोगेंद्र संवाद में जब श्री नेमि महाराज ने प्रश्न नव जोगेंद्र को किया उसमें एक प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिले। तब श्री नव जोगेंद्र ने जो कवि है कवि ने उस सब उपदेश को देते देते लास्ट में कहते हैं एवं प्रतः सुप्रिय नाम कृत्वा जाता राग त्वची तो पूछे। वो कहते हैं जीवन में हमें व्रत क्या बनानी चाहिए। जैसे हम कोई व्रत रखते हैं वह कोई एक कठोर व्रत लेते हैं ये काम हमें करना ही है इसलिए फिर कौन सा काम करनी चाहिए कौन सा व्रत लेना चाहिए। बोले एवं प्रतः सो प्रिय नाम कृत्वा कहते अपना प्रिय नाम को ग्रहण करनी चाहिए। बोले हमारा प्रिय नाम क्या है जैसे दूसरे दूसरे संप्रदाय में कहीं से कृष्ण शरणम है किसी संप्रदाय में ओम नमः भगवते वासुदेवाय किसी संप्रदाय में राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे अलग अलग संप्रदाय अलग अलग नाम लेकिन हमारे संप्रदाय का नाम क्या है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। इसलिए कहते एवं व्रतः इसी नाम को जीवन का व्रत बना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की बात जागर में आहार निश्चिंत कृष्ण भगवान। महाप्रभु कहते हैं सोते समय जगते समय खाते समय चलते समय क्या करो हर समय भगवान की नाम को हर समय भगवान नाम को ग्रहण कर यही जीवन में व्रत बना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले पहला यही महामंत्र इहा जप व्यासवे करिया निबंध इहा हैते सर्वसिद्धि हैवे सवार सर्वज्ञ हैते विधि नाया। इसलिए
ये नाम तो मैंने तुमको दिया है, और ये नाम को अगर हम जप करेंगे जीवन में सर्वसिद्धि प्राप्त होगा। सर्वसिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम के द्वारा ही कृष्ण दर्शन प्राप्त होता है। इसलिए अभी प्रश्न होता है, बोले भैया ये नाम को तो व्रत जीवन में बना दो, आप देखना सब चीज में स्वाभाविक रूप में रुचि हो जाती है, लेकिन जब नाम को करने के लिए जाता है रुचि नहीं होता। अगर थोड़ी एक माला आकर बैठ कर करती है फिर सोचते हैं कब खत्म होगा, अभी तो खत्म नहीं होता, अब तक खत्म नहीं होता आप देखना। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो भजन के लिए वो पांच चीज को मन होता है, पांच चीज भजन में हमें ध्यान रखनी चाहिए। हरि नाम करने की पहले लय, लय मतलब होता है आप देखो कोई दूसरी दूसरी बात करना हम खड़ा हो जाए, बोलो हमने यहाँ भूत देखा, अरे हमने वहां सांप देखा, जो सा मैंने इतना बड़ा भूत देखा था पर मैंने भी इतना बड़ा सांप देखा था। लेकिन कहीं भगवान की भजन भक्ति की बात आए ना, बोले भैया क्या लाभ नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए फिर क्या करना चाहिए इसके लिए बताए, लेकिन लय मतलब होता है कथा में का भक्ति में सो जाना। देखो गुरु मंत्र जप करने के लिए बैठे, मैंने तो कभी किस किस को देखा एक कमरा तक बैठे, वो बैठने का सो गए, गुरु मंत्र जप करते 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 ऐसे सो गए, जब एक घंटा बाद में नहीं बोलिया हम तो गुरु मंत्र जप करने के लिए बैठे हैं उसमें सो जाते हैं। इसलिए बोले लाल लय मतलब होता है नींद आ जाना। बोले भिखे, बोले भिखे मतलब क्या है, बोले भिखे में कहते हैं दूसरे काम में लगा मन लग जाए, टीवी में कोई सीरियल आ रहा है तीन तीन घंटा बैठ कर देखे, लेकिन जब भजन करने के लिए बैठे। इसलिए श्री नाम हरिदास ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंता में कभी कभी देखो हम बहुत दिन तक हरिनाम करने पर भी रुचि नहीं होता, कुछ दिन बाद में लोग तो माला ही छोड़ देते, वो माला को छोड़ देते माला, बोले ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, कारण है जैसे नाम करनी चाहिए हम वैसे नाम नहीं किया। दुनिया किसी बिजनेस में फेल हो सकता है लेकिन भगवान की भक्ति में कोई कभी फेल नहीं, इसमें सबके सब सक्सेसफुल हुए। इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं नाम करने के लिए कम से कम दो तीन घंटा एक जगह पर बैठ कर नाम करना चाहिए। अन्य हमें इतना दिन तक नाम करने पर भी रुचि क्यों नहीं होता, कुछ दिन बाद फिर ये माला क्यों रख लेते, बोले जैसे नाम लेनी चाहिए ना हम वैसे नाम ले, हम वैसे अन्याम नहीं कर रहे। इसलिए कुछ दिन बाद में टेस्ट नहीं आता माला जाना लग रहा है, उसमें चूहे का मसला आ गया। इसलिए अगर अनुभूति करना कुछ चाहते हैं ना नियम है एक जगह पर बैठ करके पुकार पुकार करके। इसलिए श्री भामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोना सीखो, क्या सीखो, रोना सीखो, जब तक बच्चा नहीं रोता है ना भैया दूध नहीं पिलाती है, कहते जब तक रो रो करके हर काम नहीं करेंगे तब तक हृदय में कोई पिलेगी। अगर आप सही सही हृदय से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं देखता था तुलसीदास नारायण गोस्वामी जब रूप सनातन पर रहते थे तब हृदय फूट करके हरिनाम करते थे, मैंने सुना है उसमें हृदय से हे राधे हे कृष्णा हम आपका ही सेवक हैं, लेकिन आपको बोलने का वजह संसार में आकर के दुख कष्ट पा रहे हैं, अपना चरण की सेवा करो, हृदय से पुकार पुकार करके हरि नाम करनी चाहिए, रो रो करके हरि नाम करनी चाहिए। और हरिनाम करो एक जगह पर बैठ करके हृदय से भगवान को पुकारो, जरूर कुछ अनुभूति होगी और ऐसे अनुभूति होगी ना जिंदगी में कभी नाम छोड़ नहीं सकते, कभी नाम छोड़ नहीं सकते। आप देखना दुनिया आपसे छूट जाएगा लेकिन माला नहीं छोड़े, लेकिन हमारे क्या होता है माला छूट जाती है दुनिया आ जाती है, माला छूट जाती है दुनिया आ जाता है। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं अगर कुछ अनुभूति करना चाहते हो सचमुच से
जगह पर बैठो, रो रो करके हृदय से पुकार पुकार करके हरि नाम को करो। एवं व्रत सुप्रिय नाम कृत्वा, जब अपना प्रिय नाम को जीवन का व्रत बना लेंगे, यही जीवन का व्रत बनाएंगे पर क्या होगा, लेकिन पहले तो रुचि नहीं लगता है नाम में, लेकिन क्या करो गुरु कहते हैं, इसलिए रुचि नहीं लगने पर भी जोर जबरदस्ती पे अच्छी तरह लगेगी क्यों, पूर्व पूर्व जन्म का हमारे पाप है, इसलिए भगवान के नाम अच्छे नहीं लगेगी, फिर क्या करो बोले एक जगह पर बैठ करके आसन पूर्व, इसलिए भक्ति ठाकुर कीर्तन लिखते हैं बोले हरि रे प्रपंच पहरिया अगति हैया ना देखी हो पाया हार, अगति रगति चरण शरण तुम्हारे का हृदय सार। वो भजन में पत्मा का बताते हैं अनुदिना जना तब नाम गाई क्रम से कृपया तब अपराध जाके नाम रुचि हवे आस्वादी, धीरे धीरे जाओ अनुदिन दिन तब नाम गाई, धीरे धीरे अच्छे नहीं लगने पर बैठो और हृदय से नाम ग्रहण करो, फिर धीरे धीरे क्या होगा फिर आस्वादी का नाम सारे अपराध दूर हो जाएगा, फिर तो इतना नाम में रुचि लगेगा, इतने नाम में आपको रुचि लग जाएगी, इसलिए तो रूप गोस्वामी कहते हैं ना कृष्ण ये दो अध्याय है, पता नहीं भगवान उसने क्या रसन लिया, जब जीवा में उदय होता है जैसे शंकर जैसे तांडव नृत्य करते हैं, कृष्ण प्रेमी जीवा इस द्रेक में लग जाती है, लगता है करोड़ों करोड़ों जीवा को नहीं ले लिया, कान में जो प्रवेश करता है सारे इंद्रियों को स्तब्धीभूत करके दिव्य अपराध कर्म मुक्त करा देता है, लगता है जैसे करोड़ों करोड़ों पाप को नहीं मिला, रूप गोस्वामी की बात लेकिन हमें क्यों नहीं करता, कारण करता है हमारे अनर्थ अपराध, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं जब आदर रूप को धीरे धीरे हरि नाम करते रहेंगे हमारे अपराध दूर होते जाएगा, फिर नाम में रुचि होगा, लेकिन जब नाम में रुचि होगा क्या फल है, उसका फल क्या है द्रुत चित्त उच्चय, उसे समय तुम्हारे हृदय एकदम द्रवित हो जाएगा, अभी हरि नाम लेने पर हृदय द्रवित नहीं होता, आंखों से आंसू नहीं बहते, हमारे रोम गदगद पुलकित नहीं होते, इसलिए कहते हैं अगर भगवान के नाम को लेकर के आंखों से आंसू नहीं आए तुम्हारे हृदय गदगद नहीं हो, अगर पुलकित नहीं हो फिर क्या समझो अच्छा एक अपराध है, लगता है तुम्हारी बहुत अपराध कहीं वैष्णव अपराध कहीं गुरु बनिया कहीं धामा अपराध है कहीं सेवा अपराध तुम्हारी हो गई, जिस वजह से तुम्हें नाम लेने पर हृदय तुम्हारी हृदय में गदगद नहीं हो रहा है, तुम्हारे हृदय में पुलकित नहीं आ रही है, इसलिए बल दुर्द चीत ऊंचाई है पर हृदय तुम्हारी द्रवीभूत होने लग जाएगी, जब हृदय द्रवीभूत होकर नाम लेकर के फिर क्या होगा, बोले भगवान जिसे टीवी में लीला देखते हैं ना, टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं हृदय में भगवान की सारे लीला हृदय में प्रकट होने लग जाए, इसलिए बोले असत्य था वो कभी कभी हंसने लग जाते हैं, जैसे जैसे सुखदेव गोस्वामी कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं कभी नाच रहे हैं, बोले क्या पागल है, कोई पागल है, पागल तो है ही, कहते हैं ना कोई धन 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 के पागल है, कोई पागल है बेटा नानक है, इतने पागल है झूठे पागल है, लेकिन सच्चा पागल कौन है जो पागल है किसी बात के नहीं आए, असली पागल वो है कि भगवान प्रेम में पागल हो उस समय सचमुच से वो पागल हो जाता है, क्यों असत्य था कहते क्यों हंसता है बोले पागल ही प्रभु के लीला दर्शन करते हुए, तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कह रहे हैं क्यों हंसता है, बोले एक समय कृष्णा
किसी गोपी को घर में मखाना चोरी करके पहुंचे। वो गोपी पहले से ही मटकी में मखाने को धर करके चली गई, मतलब आज कन्हैया को पकड़ करके मैं मार दूंगी, हैं कि रोज रोज मखाना चोरी करता है। इतने में कृष्णा इधर उधर देखे, लेकिन यहाँ कोई है लेकिन पता नहीं वो पड़े में बैठे। कृष्णा अंदर धीरे धीरे गए और मखन खाना शुरू कर दिए। गोपी मुझे बोली नहीं, बोले क्यों कृष्ण के लिए तो पता लगा है, इसलिए उसने कुछ बोली नहीं, इसलिए बोले खा लिए घर में पकड़ूंगी। इतने में कृष्णा जब मखन खा लिया, इतने में गोपी जाकर झट पकड़ लिया, बोले कहाँ जाओगे आज तेरे को मैं बांध करके घर में रहूंगी। पकड़ कर बोले गोपी आज चल रहे कल से नहीं आऊंगा, तेरे पाप पड़ना, तेरे सास की, तेरे ननंद की, तेरे पति की छोड़ दे आप, बोले नहीं मैया नहीं मानती है, मैया को मैं बुला करके दिखाऊंगी। बोले रख के खंबे को ऊपर हाथ रख, कृष्ण हाथ रख, उन्होंने अपना छोटी से जो रिवर बताया निकाल, कृष्ण को हाथ तक बांधने के लिए जाए तो कृष्ण का हाथ तो मखाने से भी ज्यादा कोमल है, वो बंधे ही नहीं सक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी बंधी गई कि नहीं? बोले कन्हैया तेरे को क्या बांधना आता है? बोले और क्या? बोले थोड़ी सी सिखा। बोले रख रहा अभी तेरे को सिखाता हूँ। कृष्ण एक लंबे दो लंबे एक का दो और घूम अच्छी तरह से बांध। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़े सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या? तेरे को क्या मैं तो बड़े बड़े योगी को ज्ञानी को कर्मी को भी अपना प्रेम रज में बांध देता हूँ। बोले कन्हैया छोड़ दे। बोले गोपी अभी तक तुमने किसको छोड़ना सीखा है? मैं तो सबको बांधना ही सीखा है। बाल कृष्ण बोले अपराध तो क्या है? कृष्ण चले गए। जब ये सब लीला को दर्शन करते हैं ना है तो भक्त लोग हा 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 करते करते हंसने हंसने लग जाते हैं। बोले रोदर भी कभी कभी रोती है। बोले क्यों रोती है? कृष्ण तो दर्शन दिए, बड़ा आनंद दिया, लेकिन कृष्ण जब चले गए ना कृष्ण विरह में कहते रोने लगे। रोदती रोती कभी इतने रोई मानो कृष्ण के विरह में प्राण त्याग दे देंगे। कृष्ण ने देखा लगता है तो मेरे विरह में प्राण त्याग देगा। अरे कृष्ण दर्शन देते, जब दर्शन देते भाषा लेकिन आपको पता चला बैंक फेल हो गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे कि 1 करोड़ रुपया बैंक फेल हो गया? फिर तो पागल हो गए, तो हमारे बैंक फेल हो गए। लेकिन अगर पता चल गया ना भैया फिर दोबारा पैसा मिल जाएगा, फिर क्या करोगे? नाचना शुरू कर दो, नाचना शुरू कर दो। इसलिए कृष्ण जब फिर दर्शन देते हैं फिर हाथ उठाकर नाचना शुरू कर देते हैं। इसलिए लोग बाज्य मतलब कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उसको प्रति उनकी भ्रुख्या पर नहीं रहता है, उनकी भ्रुख्या पर नहीं रहता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं क्या है? पहले तन्नाम, पहले क्या करो? भगवान के नाम में निष्ठा रखो है। इसलिए रोज नियम करके नाम हो करके कुछ माला जप करनी चाहिए। खाने से पहले कुछ माला को जप कर, ऐसे नहीं कुछ माला जप नहीं किया प्रसाद है खाने लगे नहीं। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर को महाप्रभु रोज प्रसाद देने के लिए लाते थे जगन्नाथ के दर्शन करने का बाद। जब श्री हरिदास ठाकुर के लिए प्रसाद लेकर के आए, देखा हरिदास ठाकुर लेट हुए और बड़ी मीठी मीठी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास मीठी मीठी नाम ले। महाप्रभु बोले हरिदास प्रसाद, बोले प्रभु आज मैं प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरी संख्या वाला कुल दे। कितना वाला करते थे? कितना वाला करते? 3 लाख। 3 लाख आज 3 लाख माला में पूरी नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं प्रसाद नहीं ले सकता। बोले हरिदास जिंदगी भर तुमने 3 लाख हरि नाम किया, अभी तो बूढ़े हो गए ना, संख्या का कम कर तो क्या कहते? बोले प्रभु मेरे शरीर तो चल रहा है, मेरा शरीर ठीक है, लेकिन अस्वस्थ और बुद्धिमान ये मैं है ना, ये अस्वस्थ है। लेकिन उनका शरीर सुस्त नहीं था, वो अभी शरीर छोड़ने वाले, अभी अंतिम
समझ आ गया शरीर छोड़ेगा, लेकिन वो हमें शिक्षा देने के लिए कहते हैं शरीर मरसुस्त है असुस्त बुद्धिमान, मतलब हमारा शरीर तो चंगा रहता है लेकिन हमारा जो मन है ना वो बड़ा दुष्ट है। अब देखना सारे काम के लिए समय निकलेगा लेकिन जब उसको बोलो हरि नाम कर फिर बाहर होना शुरू कर देगा, अरे ये नहीं हो पाया ये नहीं हो पाया, रात को लेट में सो गए ऑफिस जाना ऑफिस जाना है, तेरा सारे काम के लिए तो समय निकलेगा लेकिन हरिनाम के लिए बताओ तो बाहर। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सदर उठो और अपना ज्योति लो और ये मन को सवार पीटो, ये मन को सवार मारो। बोले क्यों? बोले ये मन का समझाओ बेटा संख्यापूर्वक का नाम गान रखी, संख्यापूर्वक नाम करना, भगवान को स्तुति करना, भगवान की वंदना करना, भगवान की सेवा करना, ये मन को समझाओ। इसलिए कहते पहले तन्नाम, पहले भगवान का नाम है हमारी निष्ठा होनी चाहिए, उसके बाद नाम रूप, फिर भगवान के रूप को स्मरण करो। इसलिए गुरु जी कहते थे भागवत में तीन जगह पर भगवान के रूप की महिमा बताए, एक तो पितामह ब्रह्मा जी बताए, दूसरी बताए श्री द्विज पत्नी मन, और तीसरी जो रूप की महिमा स्वयं राधा रानी वेणुगीत में कृष्ण रूप की वर्णना की है। और पितामह ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े सखाव को चोरी करके ले गए, जब उनको पता चला ये कौन है, ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की ये पिताजी, फिर ब्रह्मा जी भगवान के चरण में गिरते हुए अपना आत्मों का अश्रुओं से भगवान के चरण पर अभिषेक किए, फिर खड़े होते थे जब उन्होंने ब्रह्म स्तुति की, ब्रह्म स्तुति का ये पहला श्लोक है, बोले नरो मिटते अप्रभु से विशाल मृदुपदे पशुपांग जाय। इसमें कहते हैं नौ मिटते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ऐश्वर्य रस के भक्त हैं, ये ऐश्वर्य रस के भक्त हैं, इसलिए सबसे पहले उन्होंने भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं। दास भक्त क्या करते हैं? ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी समझ गए ना कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि कारण का कारण कृष्ण है, इसलिए उन्होंने पहले नौमी बोले हे प्रभु आपके चरण में हर प्रणाम करते, और ठाकुर जी के चरण में प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। हाँ बोले सकृत प्रणाम कृष्ण से मास्तान पिबत नहीं, जो एक बार भगवान के चरण में प्रणाम कर लेना तो दो बार की मैया का दूध पीना नहीं, तो दूध का पियो जब मैया के पेट में जाओगे ना तो दूध पियो, मतलब एक बार प्रणाम कर लो तो फिर मातृ गर्भ में तुम फिर प्रवेश नहीं कर ले। इसलिए कृष्ण प्रणाम नपुर नरवाय है, इसलिए कृष्ण प्रणाम से फिर जगत में दो बार जगत में जन्म लेना नहीं पड़ता है। इसलिए श्री जय महाराज कहते हैं कृष्णाय नमः चत सीर के कथा, जब भी तुम कहते हैं किसको किसको ले आओ मेरे पास में, तो जो एक बार भी कृष्ण चरण में प्रणाम नहीं किया है जीवा नवत्ति भगवत नाम दिया, जो जीवा से प्रभु का नाम नहीं लिया, कृष्णाय नमः चत सीर के कथा है, जो प्रभु के चरण में एक बार भी प्रणाम नहीं किया, तान अनेधम वो दुष्ट को पकड़ पकड़ कर घिसड़ घिसड़ के मेरे पास ले आया। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रणाम करते हैं, नौ मिनट ते ये कौन है आपके प्रभु हमें आपका दास बोले अभ्रभ नौ मिनट ते नौ मिनट ते अभ्रभ प्रभु से, तब भगवान कहते भगवान के ग्रंथ कैसे हैं बोले बरसात मेघ जैसे, बोले बरसात मेघ को साथ में मिलता है, बोले इसलिए उदाहरण दिया है कहते जो मेघ को कहते हैं कि कृपा, ये मेघ को ये पानी पानी की बात होता है कृपा, कहते मेघ का बनता है जब मेघ पानी जब घनीभूत हो जाता है ना तभी मेघ बनता है, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं बोले हे प्रभु जैसे आप घनी में बड़ा कष्ट उठा रहे हैं आकाश में अगर मेघ छा गया बारिश होने लग जाए फिर क्या होगा ठंडा हो जाता है,
हृदय शुशीतल हो जाता है। उसी तरह हे प्रभु मैंने आपकी चरण अपराध किया, इसलिए अपराध से मेरे जो हृदय है ना जल रहा है, अपराध से मेरे हृदय है तब तक जल रहा है, लेकिन आप कौन हो प्रभु से आप हो बरसल मेघ, जैसे रंग मतलब साक्षात आप कृपा की समुद्र है, इसलिए कहते हैं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, आप तो करुणा की सिंधु हो दीनों का बंधो, इसलिए हे प्रभु आपको मेरे ऊपर कृपा करना है। और मैं का एक स्वभाव क्या स्वभाव, वो ये नहीं सोचता है केवल पवित्र स्थान पर हम बारिश बरसाएंगे, ये टाटी पेशाब स्थान है यहाँ पर नहीं बरस, मैं सोचता है वो सब जगह में बराबर बराबर रूप में वो बारिश ही करता है। उसी तरह प्रभु आप तो अभ्रभु से हो, आप तो बरसाल मेघ का स्वरूप आपका हो, मतलब आप पापी और तापी ये तो पुण्यात्मा को नहीं देखते, सबको करने बराबर आप कृपा करने वाले, इसलिए हे प्रभु मेरे अपराध माफ कर, इसलिए अभ्रभु से तड़ी तंबर आए है जैसे आकाश में मेघ है, अगर उस पर बिजली चमके ना देखना और भी सुंदर हो जाता, लेकिन मेघ में तो बिजली चमकते हुए वो फिर अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन आपका शरीर में ये जो पीतांबर है बल स्थिर विद्युत रूप में आपका शरीर में सुधायमान हो रहा है, इसलिए अब प्रभु से तरितम पर आए बोले भुजा भगवान की जो कर्ण भूषण इस चीज में, भगवान की कर्ण भूषण इस चीज में बोले भुंजा पर, जानते हो भुंजा पर क्या होता है, देखे हो भुंजा पर वो लाल रंग का होता है और उसको ऊपर में काला रंग रहता है, काला जैसे होता है ना काला रंग रहता है, यदि गुंजा पर से मतलब है यदि ये जो गुंजा फल जंगल में आप खरीदी करने का जरूरत जंगल में घूमा अपने आप मिल जाता है, इसलिए यहाँ से क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं भगवान गुंजा फल की कर्ण भूषण को भी माला भी धारण करते हैं, कृष्ण शिक्षा देते हैं देखो ऐसे नहीं मेरे को संतुष्ट करने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु देना पड़ेगा तभी मैं प्रसन्न होता हूँ, साधारण से साधारण वस्तु से भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पत्रम पत्रम पुष्पम अलम त्वया जो मैं भक्त्याः प्रजिते, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कृष्ण चार चीज का नाम है, हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वया, ये चार चीज का नाम दिया है, जो चीज बिना पैसा में पीता है जिसके लिए पैसा की जरूरत नहीं, मतलब है कृष्ण कहते हैं ऐसे नहीं कोई बहुमूल्य वस्तु प्रदान करो तब जाकर प्रभु खुश होंगे नहीं, हैं कहते अगर भक्ति पूर्वक साधारण से साधारण वस्तु दे दे तो भगवान खुश हो जाते, इसलिए पत्र भगवान पता किसने खिलाया है बोले सबरी के पत्र किसने खिलाया है विदुर के, हैं कितना सबसे ऊंची प्रेम सगाई विदुर के घर में भगवान क्या खाए बोले साग भाजी खाए, हैं खा करके उसी में ही संतुष्ट हो गए, पत्र पुष्प फल से किसने संतुष्ट किया बोले हाथी ने गजराज ने, जब मगरमच्छ खींचते हुए ले जा रहा था उसने कहा बोले फूल अर्पण कर दिया भगवान संतुष्ट हो गए, पत्रम पुष्पम फल फल में किसने संतुष्ट किया बोले सबरी बोले छोटा बेर सबरी के खाए बहु विधा स्वाद होता है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसलिए पत्रम पुष्पम फलम त्वयम त्वयम मतलब क्या कहते पानी है, पानी के द्वारा भी भगवान जैसे गंगा पानी है गंगा पानी कहते तुलसी जल मात्रेना, अगर भगवान कोई एक गंड से कोई गंगा पानी है उसमें तुलसी पत्ता रख करके ठाकुर को दे दे तो भगवान कहते उसकी ऋणी चुकाने के लिए मैं अपना कुछ सर कुजला कर लेना उसका ऋणी कैसे चुका, इसलिए कहते गुंजा बदन सब बोले परी पीछ भगवान के सर के ऊपर मरु पंख लगाते हैं बोले मरु पंख क्यों लगाते हैं, बहुत सारे पंख हैं लेकिन ये मरु पंख क्यों लगाते हैं, तब हमारे टीका कार्य उसमें अच्छी अच्छी बात पता है, पहला कारण बताए मौर पंथ में से ही राधा रानी का नाम लिखा हुआ है,
हैं, इसलिए कृष्ण लगाते। दूसरा कारण मधुर, ये ब्रह्मचर्य, भगवान ब्रह्मचर्य बड़े प्यार करते हैं इसलिए सर पर लगाए। तीसरा कारण बताए, मौर का जो नृत्य है बड़ा सुंदर है, मौर नृत्य देखे तो बड़े सुंदर, जब नृत्य धीरे धीरे बड़े सुंदर नृत्य करता है, इसलिए कृष्ण मौर को लगाए। देखो जितने सारे नाचने वालों में मैं सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार, इसलिए मौर को लगाए। चौथा कारण बताए, मौर कब नृत्य करता है, जब आकाश में काला मेघ छा जाए, बिजली चमकने लगे, घड़ शब्द, तभी ये मौर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, कृष्ण का रंग कैसे काला मेघ जैसे, पीतांबर विद्युत जैसे, और जो बंसुरी की आवाज कर रहे थे इतने में मौर को थिरक थिरक नाचना शुरू कर दिया है। जैसे कोई नृत्य करता है, हम क्या करते हैं, 10-20 रुपया लेकर घुमा घुमा कर देते हैं। अब मौर बड़ा खुश हो गया, बोला कृष्ण ने कितने सुंदर बंसुरी बजाए और मैंने नृत्य किया, कृष्ण को तो मुझे देनी चाहिए, लेकिन मेरे पास में तो पंख सिवाय कुछ है नहीं। उसने पंख को झाड़ दिया, एक पंख गिरा तो उसने उठाया और अपना सर पर लगा दिया। इसलिए कहते हैं परिपीच लसत मुखाय मन न सजे, कहते जगत की भगवान को अपना अपना धाम में वैकुंठ में हीरे रत्न से भगवान को श्रृंगार करते हैं, द्वारका में भी भगवान बड़े हीरे जवाहरात का श्रृंगार है, लेकिन कृष्ण कहते हैं लेकिन सबसे सुंदर श्रृंगार कहाँ पर मिले, कहते वृंदावन। वृंदावन जब गोपियां कभी कृष्ण को निकुंज में बैठा रहती है, फूलों की कलिका से, पत्ते से, गौर के रंग से जो कृष्ण को श्रृंगार करते हैं ना, तो वो श्रृंगार सबसे बढ़िया श्रृंगार। आप कभी गर्मी समय में वृंदावन कभी आए करें, कभी बाकी भी आए मंदिर में कभी जाए, देखना उनका दुपट्टा, उनकी पटका, उनके कपड़े, उनकी चोटी, उनकी सब कुछ फूल की कली में, दही फूल की कली में बनता है। 15-16 व्यक्ति लगते हैं 7-8 घंटा में जाकर उसको एक बाके भी आए तो श्रृंगार होता है। राधा वल्लभ जी का मुकुट भी क्या बनाते हैं, अगर ये लोग इतने सुंदर बना सकते हैं, फिर गोलोक वृंदावन में ललिता विशाखा चंपकलता सखियां जब कृष्ण का श्रृंगार फिर क्या भजन श्रृंगार किया है। इसलिए कहते हैं फूल में क्या भजन है, फूल में सज रहे हैं श्री श्री बांके बिहार, फूल में सज रहे हैं राधा विनोद बिहारी, फूल में सज रहे हैं। इसलिए कहते बनस रजे, कहते जो बन का पत्ते फल फूल में जो श्रृंगार है, कहते ये सर्वश्रेष्ठ बनस रजे विशाल वीणु, कृष्ण बड़े मीठे मीठे प्रभु बंसुरी बजाते हैं और कवल क्षेत्र विशाल वीणु। इसलिए भगवान को सबसे बढ़िया भोजन क्या लगता है, उनको तो कितना छापा भोग 36 व्यंजन लगाते हैं, लेकिन कहते भगवान को सबसे प्यारा भोजन बता सकते हो, कृष्ण को सबसे प्यारा भोजन क्या, सबसे क्या भोजन बढ़िया लगता है बता। हाँ दही अल्फा, दही चावल, दही कोई खाए और दही वाले नहीं करे, क्योंकि हमारे उड़ीसा उड़ीसा में खाते हैं, बंगाल में भी खाते हैं, और कभी कभी हमारे जगन्नाथ को दही चावल बहुत पसंद है, जगन्नाथ मंदिर हाँ दही में चावल डाल करके हैं, और हमारे जगन्नाथ को पाता भात भी बहुत पसंद है, पाता समझते हो, आज का चावल में भिगा करके कोई सवेरे जगन्नाथ जी खाते हैं, कोई पूरी जाना कभी खा, कहते ये सबसे मेरा दही भात और दूध भात, कहते ये सबसे मेरा प्यारा भोजन है। इसलिए कवल वेत्र विशाल वेणु मृदु पदे पशुपान बजाय, कहते यहाँ पर एक ही सिद्धांत भी बताते हैं, पशुपान बजाय कृष्ण कौन है, बोले पशुप मतलब पशुओं को जो पालन करते हैं, बोले कौन श्री नंद बाबा, उनकी अंग से जो जन्म हुए, मतलब कृष्ण कौन है श्री नंद नंदन, कृष्ण जसोदा नंदन। इसलिए गुरु जी कह रहे थे भागवत में 3000 प्रभु की सुंदर सुंदर लीला की वर्णना की गई है, इसलिए कहते तन नाम रूप, उनकी रूप पर ध्यान करनी चाहिए और उनके चरित्र को वर्णना करनी चाहिए, और क्या करनी चाहिए, बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुरागी, कहाँ रह करके भजन करनी चाहिए,
कहाँ पर? वृंदावन। तो अगर सबके सब वृंदावन में चले जाए फिर भैया पैसा कहाँ से आए? भूखे ना मर जाए भाई, तो बोलो तो वृंदावन में कहाँ रहेंगे? अगर आप शरीर से नहीं कर सकते हो, अपना मन में वृंदावन, अपना मन से वृंदावन हो, मन में वृंदावन में कहीं से रहेंगे? जैसे मंदिर, जैसे ये मंदिर की वृंदावन, क्यों? ठाकुर जी ना, तुलसी परिक्रमा, ठाकुर दर्शन है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, मैंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन को मैंने ये गौड़ीय मठ रूप में ले आया। गौड़ीय मठ नहीं, ये साक्षात गोलोक वृंदावन है। तो गोलोक वृंदावन में क्या होता है? सगर सगर जैसे मंजरी सखिया उठ करके नहा धो के तिलक लगा के क्या करते हैं? ठाकुर जी का आरती करते हैं। यहाँ पर भी इतना मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूरती मंगल श्री राधा कृष्ण जोगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल गाहे मंगल आरती जावे भक्त भजन गा रहे हैं ना, वर्ष भक्ति प्रज्ञा कैसे बोलते हैं महाराज? गोलोक वृंदावन में मंजरी सखियां कैसे उनका आरती करती है, उनका परिवेश कैसे, कैसे मीठी मीठी हवा बहती है, सुंदर कमल फूल खिले हुए, जूही बही चमेली खिले हुए, सुगंध से चार दिन आमोद हो रहा, ये सब चीज को वर्णन करना है। इसलिए कहते हैं कि जो मठ है मठ नहीं, प्रभुपाद कहते हैं राधा रंग निकुंज मंदिर, और निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ पर प्रकट कर दिया है। अगर हम अपना घर में आरती करें, तुलसी परिक्रमा करें, हरिनाम करें, कीर्तन करें, भजन करें, हमारे घर ही वृंदावन है। इसलिए शरीर से मत नहीं हो, लेकिन मन से वृंदावन करो। इसलिए तिष्ठन रजे बोले तदानुरागि जनार्दन, बोले फलो इसको बोले भगवान की ब्रज जन है, जो ब्रजवासियों को हमें फलो करनी चाहिए, उनके चरण में जो अनुरागी है, तदानुरागि जनार्दन, जो कृष्ण भजन में जो अनुरागी, जो साधु, जो वैष्णव है, शुद्ध भक्तों की आनुगत्य में रह करके हमें भजन करनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितने सारे शास्त्र का जो निचोड़ है, अगर इतना जीवन में कर लिया तो बस हमारी सब कुछ, हमारे जीवन में सब कुछ। इसलिए गुरुदेव कहीं कहीं जब कथा विश्वास करते थे, गुरुदेव केवल इसी श्लोक को व्याख्या करते थे, एक श्लोक अपना जीवन में उतार लो, हमारी धन्य हो जाए, ठीक है ना? इसलिए हमारे भजन प्रभु की थोड़ी सी कथा आपको सुनाएंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय जनार्दन कृष्णाय कृष्णभक्ताय तरल भक्ताय